ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सभी भक्तजनों को मंगल कामना करते हुए नवरात्रि की शुभकामनाएं और आशीष प्रदान करता हूं। यह दुर्गा माता की 8 शक्तियों को प्राप्त करने का और उनका ध्यान करने का अवसर है। इन दिनों जितना भी हम लोग ध्यान कर लें उतना ही हमारा कल्याण होता है। आप देखते हैं कि अष्टभवानी 8 भुजाओं के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। साधकों के लिए आवश्यक होता है कि उनकी 8 शक्तियों का ध्यान करते हुए अष्ट सिद्धि की प्राप्ति करें और नवनिधि की प्राप्ति करें। तो एक बल उनका माना जाता है विद्या बल, दूसरा बल माना जाता है शारीरिक बल, तीसरा है धन बल, पांचवा माना जाता है संगठन बल, और फिर गुण बल, सातवां प्रतिष्ठा बल, साहस बल, सत्य बल। ये जो सारे बल हैं इनकी साधना करते हुए दुर्गा माता से जो दुर्गा दुर्गति नाशिनी माँ परमेश्वरी जगदम्बा जगजननी दुर्गा माँ है उसकी साधना करते हुए इन दिनों हमें लाभ लेना चाहिए। और सबके अंदर शक्ति जागने से, क्योंकि दुर्गा माता जो बैठी हैं वो शेर पर सवार है, शेर शौर्य है, शेर जो है साहस है, शेर पराक्रम है, तो पराक्रम पर विराजमान है जगदम्बा। शक्ति उसी के पास मानी जाती है जो साहसी है, साहस में ही शक्ति है, डर में शक्तिहीनता है। हमें इन दिनों अपने अंदर इन शक्तियों को बढ़ाना चाहिए। और सबके पास में कुछ न कुछ ऐसे राक्षस भी हैं जिनको मारना होता है। जैसे आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ेंगे तो मधु कैटब का वध उन्होंने किया। मधु कैटब क्या है? वो काम है। महिषासुर जो है वो क्रोध है। शुंभ निशुंभ को लोभ माना जाता है। ये 3 शक्तियां आकर प्रत्येक व्यक्ति को हराती हैं। देवताओं को भी इन्होंने ही परेशान किया था, तब देवताओं की समस्त शक्ति से दुर्गा भवानी प्रकट हुई थी। और इन दिनों हम ये साधना करते हुए अपने अंदर के काम क्रोध लोभ आदि जो राक्षस हैं उनका विनाश करते हैं और समृद्धि प्राप्त करते हैं। विद्या बल, शरीर बल, धन बल, संगठन बल, गुण बल, प्रतिष्ठा बल, साहस बल, सत्य बल, ये 8 बल जो हैं हमारे लिए बहुत ही बहुत लाभ देने वाले हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा प्रभात में जो इन दिनों जाप चल रहा है, पाठ हो रहा है, दुर्गा माता का पूजन हो रहा है, उसमें शामिल होइए। और शाम के समय में आरती वंदन के साथ साथ जो यज्ञ में आहुति दी जा रही है वो सच में ही बहुत लाभकारी है। उनका लाभ आप लोग लेंगे। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामना।